बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुल अजीज़ पाटिल कट्टी का ओनर बोल रहा हूँ और ये स्पेशल मौके पर इनॉग्रेशन पे आप लोगों के साथ और आप इस जगह आने पर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये स्पेशल चाय दूसरी बार हैदराबाद में दूसरा ब्रांच ओपन हो रहा है। पहला ब्रांच मेहदीपट्टनम में बस डिपो के बाजू में ओपन होकर एक साल हो चुका है। अब ये दूसरा ब्रांच सईदाबाद में आज इख्तिताब हुआ है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये बासुंदी टी बहुत पसंद आएंगी। आप लोग ये चाय पीकर एंजॉय करेंगे। और ये मेरे पार्टनर है सोहेल और ये ऑपरेशन करेंगे। खसूसियत ये है कि आप लोग ईरानी चाय पी के बेजार हो चुके हैं, अब आपको नया कॉन्सेप्ट ले आए हैं। ये है पूना की ऑथेंटिक बासुंदी टी है, जिसके अंदर कुछ खसूस मसाले हैं और इसके अंदर खसूस चाय की पत्ती जो है ना ऑर्गेनिक है और इसके अंदर पानी कोई मिक्स नहीं है, क्रीम मिल्क है और इसका जायका कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। अब आप पियेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईरानी चाय और बासुंदी चाय। एक बार पियेंगे तो फिर बार बार पियेंगे, इसका जायका है और हर लोग पसंद कर रहे हैं और आप भी इंशाल्लाह सब पसंद करेंगे। आप इसको बार बार पी के अब हम लोगों को और आपको। और दूसरी बात, ये और ज़्यादा ब्रांचेस में ओपन कर रहा हूँ। एक और दूसरा 14 तारीख को इंजन बोनी पे ओपन हो रहा है और ये ओपन करने से आपको विकास है, लोगों को अपॉइंटमेंट मिलेंगे, लोगों को काम मिलेगा, लोग जो है ना एक दूसरे की हेल्प होंगी। और फ्रेंचाइज आप दूसरों को भी दे रहे हैं? फ्रेंचाइज फिलहाल तो दे नहीं रहा हूँ, दूंगा और आगे दूंगा। मैं मास्टर फ्रेंचाइज हूँ, अगर आगे कोई तलब करते हैं तो फ्रेंचाइज भी देने के लिए तैयार है। कुछ उसके कुछ कंडीशंस है, कुछ वो कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं जैसे वैसे नहीं दे सकते, उसको कॉन्सेप्ट के साथ देना पड़ेगा। ये आपका कौन सा ब्रांच है? ये दूसरा ब्रांच है सईदाबाद का और तीसरा ब्रांच और एक इंजन बोली पे होने वाला है। तो बहुत जल्द हैदराबाद में हर एरिया में आप ब्रांच एक एक ब्रांच डालने का प्लान है? बिल्कुल इंशाल्लाह, कम से कम एक 10 ब्रांच तो जैसे डालने का इरादा है। अगर लोग पसंद करे तो आप लोग सब अगर उसको पसंद करके अगर एनकरेजमेंट करे तो पड़ेगा, अगर एनकरेज नहीं है तो फिर जी बेहतरीन वेरी बेस्ट रेस्पॉन्स है मेहदीपट्टनम का। और हमारे समी साहब है मेरे पार्टनर है, समी साहब मेरे पार्टनर है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा रेस्पॉन्स है, बेहतरीन रेस्पॉन्स है। जो मेहदीपट्टनम का जो ब्रांच के हमारे इंचार्ज है ये समी साहब। और समी साहब बोलिए, आप कैसे चल रहा है शादी मौके पर? ये क्या है बोले तो चाय एकदम नहीं बना सकते, 4-4 लीटर की बनाना पड़ता, तो शादी के मौके पे नहीं कर सकते उतना पुरा रही। पाटिल कट्टा का दूसरा ब्रांच हैदराबाद पे आप लोग सब आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ कीजिए इंशाल्लाह ये भी कामयाब रहे मेहदीपट्टनम की तरह। बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, 14 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोगों को पसंद आ रही चाय। अभी तक क्या ईरानी का चाय था हैदराबाद बोले तो इधर अलग महाराष्ट्र फ्लेवर है, पुणे की है ये तो वहाँ अच्छा है रिस्पांस बोल के फिर यहाँ पर शुरू करें। 20 रुपये का ही अभी नहीं, इंशाल्लाह दुआ कीजिए शुरू करेंगे अभी। जी हाँ जी हाँ जी, वहाँ पर भी आए थोड़ा लेकिन पार्सल सर्विस तो है, इंशाल्लाह अनकरीब शुरू हो जाएगा स्विगी, उस पर भी जो चल रहा काम अभी आ जाएंगे, ऑर्डर पे भी ऑनलाइन भी करेंगे, हर जगह जहाँ जहाँ भी ब्रांच खुलेंगे वहाँ सब में रहेंगे इंशाल्लाह। ये महाराष्ट्र का है, बेस पुणे का है ये, हाँ बासुंदी, बासुंदी फ्लेवर है एक और इलायची मिला के इसको फ्लेवर बनाया है, इसके लिए इसका पुणे बासुंदी बोल के, बासुंदी एक मिठाई आती दूध से बनती हो, वो फ्लेवर का है इसमें।